आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं मौसमी अब मिली हूँ। फ्लैशबैक इतने अच्छे सिंगर्स के लिए ऐसे आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं मौसमी अब मिली हूँ। तनीषा हाय। हाय हाय हाय। तो ये देखो ये मेरी पल्लवी। हेलो गाइस। गाइस पहले वाली वीडियोस को इग्नोर करना जिसमें मैं बहुत टिट्टी टिट्टी लग रही हूँ। अब मैं सुंदर लग रही हूँ। तो अभी वैसी लग रही ये पलक दीदी ये मेरी पलक थोड़ा देख तूने स्कैम हो गए स्कैम स्कैम बोलते इसको स्कैम। मैं ब्लैक सदरी नहीं लाई। कनिका दी गुंजन दीदी और रेडी सारे ये आई मंदी। हेलो कैसे हो तुम? सब्सक्राइबर्स हैं चलो उनको ज्यादा सुहागन रहो सब्सक्राइबर्स की तरफ से ज्यादा सुहागन रहो। सब्सक्राइब ऐसे करना जितने भी इसके सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने घर के सारे के फोन से टट टट और ये जो हमारी कभी लड़की हुआ करती थी आज लड़का बन चुकी है। और ये सत्या मैम के हस्बैंड वैसे सच में नहीं है मेरा मेरे को मैं बताऊं कैसे लग रही हूँ गाइस। मैं नहीं रोती कितना बेशरम और अश्लील लौंडा है ये। हर की साला हमारी नाच की वीडियो बनाएगा मैं नाच की वीडियो। रोती रह तू साइड हो रोती रह तू साइड हो गजब बेइज्जती है ये हमारे सीनियर्स इमोशनल होते हुए देखो अभी नहीं होना। कहीं का दी कैसा फील हो रहा है आपको? सब नाना रोना नहीं आज आज नहीं रोना नहीं इधर देख के बोला नहीं रो रही तो हमारे स्कूल में है आज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तेरा एक्स स्कूल मेरा एक्स स्कूल ये जेसीबी में हुआ। मैं जेसीबी में हूँ जिसे बोलते हैं जेसीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पब्लिक स्कूल। अरे भूल गई ना आप बता रहे फिर हम बता रहे हैं आपको हमने गिफ्ट लाया मैम के लिए देखें पूरी टूट गया था मेरी छितर मारेगी इसलिए मैंने जाग खोल सकती इसलिए मैं नहीं खोल सकती छितर कर सकता है मुझे बिकॉज छितर इज वेरी बैड में यार। मौसम मैम बनी हुई है हमारी निकी और ये मौसम मैम के दूसरे कॉपी। हाँ उनकी बेटी लगते हैं पर है नहीं। A few moments later ये साइशा का परफॉर्मेंस हो रहा है। और ये हमारे सीनियर्स यहाँ बैठे हुए टीचर्स
ये बच्चे इतनी जल्दी इमोशनल हो गए। दूसरी कांगी मैंने दिखा दी। हेलो गाइस, क्यों रो रहे हो भाई तुम लोग? अभी मत रो, कोई बात नहीं, अभी डांस देख के हंसेगा मेरा बच्चा। ओ माय बेबी, माय बेबी, माय बेबी, देखो तो, देखो 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 इनकी शक्ल देखो।
नहीं हूँ और मैंने जितना मैं उनको स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि मैम मैं ऑडियो को फिक्स नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई स्टार्ट क्राइम बट जितना मैम मेरे दुश्मन निकले इन्होंने मेरे को बुला दिया और बिलीव मी मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकती. मैंने अपने सब फ्रेंड्स को बोला था कि प्लीज डोंट लुक एट माई आईज बिकॉज दैट विल ब्रिंग टीयर्स. तो मैं उधर देख कर बोलूँगी थोड़ा बहुत जितना मैम ने सब कुछ बोल दिया है.
मेरे बारे में और वे मैम की रिटायरमेंट. वी विल मिस यू मैम वेरी मच. मैं इसे आज स्टॉल नहीं पकड़ा जा रहा. अब मैं ये सोच रही हूं कि जब हम पेपर देने के बाद म्यूजिक रूम आएंगे तो वहां पे कोई भी नहीं होगा ना. श्रुति दीदी आग कर रहे होंगे. अरे बस तू इमोशनल करेगी रे हमको दोबारा. कोई भी नहीं होगा ना. मॉस मैम होंगे ना. चल वैसे होंगे. वैसे हम मिलने जरूर आएंगे. यस ओके. वो तो आपको आना पड़ेगा. हाँ तो होगी रिटायरमेंट पार्टी. और आज मैंने पूरा दिन साड़ी में निकाला है जैसे मैंने फेयरवेल के दिन निकाला था. आज थी टू टीचर्स की रिटायरमेंट. एक मेरी केमिस्ट्री टीचर एंड एक मेरी म्यूजिक टीचर. जो कि सिर्फ मेरी ही नहीं इसकी और इसकी भी म्यूजिक टीचर थी. जान 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 हमारे देख रहे हो जान का टुकड़ा. हाँ ठीक है फिर बाय बाय बाय. सो गाइस ये था हमारी मौसमी मैम के रिटायरमेंट का व्लॉग जो कि था 31 दिसंबर का. और ये मैं अपलोड कर रही हूँ अप्रैल में. कितनी अप्रैल आज? अप्रैल पूछेंगे ठीक है. तो सबसे पहला रीज़न था कि जब मैंने फेयरवेल का व्लॉग अपलोड करा था उसके 3-4 दिन बाद ही मुझे ये वाला व्लॉग अपलोड करना था. पर हुआ यूँ था कि मेरी मम्मा का मेजर ऑपरेशन हो गया जनवरी में. हाँ 4-5 जनवरी को मेरी मम्मा का मेजर ऑपरेशन हुआ था. फिर मम्मा 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे थे. फिर हम चले गए थे सीधा नानी के घर. और उसके बाद फिर मेरे एग्ज़ाम्स थे तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई. फिर 1 महीने में मैं फिर मेरे 15 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे. और मैं आज तक सोई हुई थी. मैं क्या कर रही थी मुझे खुद नहीं को पता. सो अभी मैंने ब्लॉग अपलोड किया है. सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना क्योंकि ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है यू नो. बाय बाय.